दोस्तों अज मैं थोड़े को एक यूएसए के नवे अपडेट बारे एक वड्डे अपडेट बारे डिस्कस करने वास्ते एक वीडियो बना रहा। दोस्तों यूएसए का अपडेट यही है कि बाइडन सरकार ने 2023 इस साल सब तो ज़्यादा वीजे ग्रांट करने का ऐलान किया है, जो कि वह कह रहे हैं कि इस साल असी 10 लाख वीजा देने। वो कह रहे हैं कि अगर तुम विदाउट आयल्स हो तो रीसेंट पास आउट होने चाहिए हो, अगर तुसी थोड़े गैप है तो थोड़ी आयल्स होनी चाहिए जो कि मिनिमम 5.5 होनी चाहिए। जिदा कि हूँ इस समय जो सक्सैस रेट है वो वाता जा रहा है डे बाय डे, पिछले अगर 1.5 महीने तो अभी देखिए तो सक्सैस रेट काफ़ी अच्छा जा रहा है। टाइम पर अपॉइंटमेंट्स नहीं आई, टाइम पर I-20 नहीं आई, या टाइम पर फाइल नहीं लग पाई, वो सारा कुछ हूँ थोनू कवर हों दिखूगा। सत श्रीकाल दोस्तों, साड़ी हर बारी कोशिश होंदी है कि हर एक नवा अपडेट थोड़े तक पहुँचाइए, हर एक नवी नोटिफिकेशन थोड़े तक पहुँचे। जो स्टूडेंट स्टडी वीजे लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्होंने हर एक सटीक खबर हर एक टाइम पर खबर पहुँचती रहे। तो दोस्तों अज मैं थोड़े को एक यूएसए के नवे अपडेट बारे एक वड्डे अपडेट बारे डिस्कस करने वास्ते एक वीडियो बना रहा। तो एक गुजारिश है कि साडा तुसी पेज सबसक्राइब करो और तुसी अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो। हो सकता है कोई इनफॉर्मेशन थोड़े काम की ना हो, बट थोड़े दोस्त या थोड़े चाहन वाले दे बहुत ज़्यादा काम की हो। काइंडली साड़ी रिक्वेस्ट है बैल आइकन जरूर दबाओ हर एक नवी इनफॉर्मेशन टाइम टू टाइम थोड़े तक पहुँचने लिए। दोस्तों यूएसए का अपडेट यही है कि बाइडन सरकार ने 2023 इस साल सब तो ज़्यादा वीजे ग्रांट करने का ऐलान किया है, जो कि वह कह रहे हैं कि इस साल असी 10 लाख वीजा देने हैं, जिसका मेन सीधा सीधा असर अगर गल करिए स्टूडेंट वीजे के उत्ते पैंदा है। हुण यूएसए का स्टडी वीज़ा की सक्सैस रेट पिछले जो कुछ समय तो देखा काफ़ी डाउन देखने को मिली है, वो हुण जो लॉकडाउन तो पहला सीगा उसके बराबर लैके जाना चाहते हैं। उहदे वास्ते उन्होंने कुछ अपडेट ये किए ने, वह कह रहे हैं कि अगर तुम विदाउट आयल्स हो तो रीसेंट पास आउट होने चाहिए हो, अगर तुसी थोड़े गैप है तो थोड़ी आयल्स होनी चाहिए जो कि मिनिमम 5.5 होनी चाहिए है। सो हुण मैं नैक्सट पॉइंट की गल करदा, जिदा कि पिछले कुछ समय तो आफ्टर लॉकडाउन की गल करा, इंटरव्यूज़ नूं लैके इंटरव्यू के स्लॉट नूं लैके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही सी, वो बड़ी दिक्कत आ रही सी, या फिर कई ने बहुत लोगों ने बाय करी है अपॉइंटमेंट, है ना, किसी नूं कैलकटा की मिली है, किसी नूं बॉम्बे की मिली है, बट दोस्तों हुण समूथ हुंदा जा रहा है। जिदा कि लॉकडाउन तो बाद वर्ल्ड ओवर की गल करा, मैन पावर की बड़ी कमी हो गई है, और अगर गल करा कि वीज़ा सक्सैस रेट क्यों ज़्यादा कर रहे हैं, उन्होंने कारण यह है कि वह कितने कितने हूँ मैन पावर भी अपने को सदना चाहते हैं। तो जिदा कि हूँ इस समय जो सक्सैस रेट है वो वाधा जा रहा है डे बाय डे, पिछले अगर 1.5 महीने तो अभी देखिए तो सक्सैस रेट काफ़ी अच्छा जा रहा है। जिदा कि सानू यूनिवर्सिटीज दस रही है या मार्केट का सिनेरियो अभी देख रहे हैं, यूएसए का द्वारे फिर क्रेज़ बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ भी सानू पिंग कर रही ने, स्टूडेंट्स मैक्सिमम मांग रही ने। जो असी गल करते हैं यूनिवर्सिटीज़ नाल कि सक्सैस रेट डाउन क्यों रहा, तो सानू दस दिया ने कि हो द्वारे फिर उन्होंने उपर चकना चाहता यूएसए। बाइडन सरकार की मैक्सिमम कोशिश है कि हूँ स्टूडेंट्स को ज़्यादा तो ज़्यादा सद्या जाए, जिस नाल थोड़ा रेवन्यू भी जनरेट हो, मैन पावर की कमी भी पूरी हो, इस करके हूँ जो सिनेरियो है डेफिनेटली वधिया होने वाला। एक होर अगर मैं गल करा, जिमें कि पिछले काफ़ी समय तो साढ़े स्टूडेंट्स या साढ़े स्टाफ नू काफ़ी निराशा का सामना करना पाया, काफ़ी डिमोरलाइज भी होया स्टाफ भी स्टूडेंट भी, टाइम पर अपॉइंटमेंट्स नहीं आई, टाइम पर I-20 नहीं आई, या टाइम पर फाइल नहीं लग पाई, वो सारा कुछ हूँ थोनू कवर हों दिखूगा। आने वाला समा जोड़ा है जिन्हों बच्चों की नहीं भी उस टाइम लग पाई, अगर जिन्हों का प्रोफाइल सूटेबल है वो दोबारा ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली हुण तुहानू जिहड़ा आउण वाला समय बहुत वधिया पॉजिटिव रहना, इंटरव्यू के बेस पर रहना, इंटरव्यू तो अगर तुसी पूरा स्ट्रगल कर सकते हो, तुसी मेहनत कर सकते हो, पूरे फोकस करके अगर तुसी इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो मेरा यकीन है कि तुसी इस बार वीज़ा जरूर हासिल करोगे। और इस दे नाल ही अगर तुहाडी पहला एक बार रिफ्यूजल है या दो बार रिफ्यूजल है यूएसए तो है या किसी होर कंट्री तो है, भावें थोड़े किसी भी कंट्री तो रिफ्यूजल है, चाहे यूरोप तो है, चाहे थोड़ी किसी वैसटर्न कंट्री तो है, तो तुसी डेफिनेटली एक बार जरूर हूँ यूएसए का स्टडी वीज़ा अप्लाई करो। सब तो वड्डी गल है कि यूएसए का स्टडी वीज़ा बड़ा रीजनेबल कॉस्ट पर मिलता है। यूएसए दे विच बहुत सारिया इस तरह दी यूनिवर्सिटीज़ हैगियां ने जो 60% 70% तक स्कॉलरशिप देंदियां ने, इन्ना ज़्यादा स्कॉलरशिप थानू नॉर्मली मार्केट दे विच किसी होर यूनिवर्सिटी कॉलेज का किसी भी कंट्री चो नहीं मिलता।
ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੋਸਤੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ, ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।